इस हादसे में आगरा के जो लोग मरे हैं उनके परिजनों से हमारे सहयोगी विकास यादव ने खास बातचीत की। भोले बाबा के सत्संग में हुई हृदय विदारक घटना के बाद पूरे देश को हिलाकर रख दिया है। इस सत्संग में आगरा से भी बड़े पैमाने पर लोग गए थे। तकरीबन 2 दर्जन बसें आगरा से सत्संग के लिए गई थी, जिसमें सैकड़ों की संख्या में लोग शामिल थे, जिसमें 17 से ज्यादा लोगों की अब तक मौत हो चुकी है और ये मौत का आंकड़ा लगातार बढ़ भी रहा है। बड़ी संख्या में जो शव है वो आगरा के पोस्टमार्टम गृह लाए गए हैं और यहाँ पर जो लोग सत्संग देखने के लिए गए थे, जिनके परिजन थे, वो बड़ी संख्या में यहाँ पर पहुंचे हैं। कुछ लोग यहाँ पर मौजूद हैं जिनके परिजन, जिनके माता पिता और जो परिजन थे, वो सत्संग सुनने के लिए वहां पर पहुंचे हुए थे। जिन्हें इन्हें जानकारी हुई उसके बाद में ये देर रात से यहाँ पर जुटे हुए उनसे पूछते हैं, क्या नाम है आपका? लेकिन क्या हुआ, क्या जानकारी मिली आपको? भगदड़ हुई थी सर, ये जानकारी मिली। हम रात को देख रहे थे, हमें मालूम नहीं पड़ा था, यहाँ पर पीछे सुबह पता पड़ा कि मम्मी यहाँ पर। तो मम्मी के साथ कौन कौन और था? हमारे गांव से 4 लेडी गई थी, उनमें से एक भी लेडी जो खत्म हुई है। क्या जानकारी हुई आपको, कैसे जानकारी मिली? ये मम्मी के फोन आया था, छोटे भाई की सिस्टर है वो पुलिस में, उसके पास जो फोटो वगैरह मंगाए थे तब उसने बताया था। समझा जा सकता है ये गमजदा परिवार है, परिजन है, जिन्हें जानकारी हुई और देर रात से ही घटना की सूचना इन्हें जैसे ही मिली उसके बाद में यहाँ पर ये लोग आना शुरू हो गए थे। आगरा के पोस्टमार्टम गृह पर बड़ी संख्या में लोग पहुंचे और यहाँ पर देखा जा सकता है किस तरह से गंभीर माहौल है, लोग परिजन परेशान है। अब जैसे जैसे लोगों को जानकारी हुई हो रही है उसके बाद में बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर पहुंच रहे हैं। कुछ लोग और मौजूद हैं जिनके परिजन इस सत्संग में गए थे, उन्हें जानकारी हुई उसके बाद में ये लोग यहाँ पर पहुंचे हैं। क्या नाम है आपका? कैसे जानकारी मिली आपको? मेरे पास फोन आया था हमारे गांव के बंदी भाई, मैं अपने मार्केट में था शौक में, बोला कि भैया तुम्हें कुछ मालूम है क्या, जब तुम्हारे परिवार में कोई बात बन गई नहीं की, कोई बात नहीं है तो अभी घर से आया हूँ। बोले कि ऐसे ऐसी बात है कि वहाँ पे सिकंदरा में मतलब ऐसे ऐसे कोई बम गिराए किसी ने तो बहुत लोग मारे गए, मेरी बम गिरट गया। फिर मैंने की चलो जानकारी, फिर मैंने इस पर चल गई तो फोन किया, बोला मैंने की ऐसे ऐसी बात है, बोले कि हाँ मतलब खबर आ गई तो वहाँ गए और सादाबाद से सिकंदरा पहुँचे। वहाँ जाके उन्होंने बोला कि अलीगढ़ और उधर उधर हॉस्पिटलों में देखे तो वहाँ कुछ नहीं मिला, निराश होकर लौट के आ गए वहाँ से। हाथरस भोले बाबा सत्संग में मौत के तांडव से